भाई आप किसी की नंगी बरहना वीडियो चलाओ, इतने बड़े आदमी की दुनिया में किसकी चली आज तक भाई? इस आसमान के नीचे कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जो ये दावा कर सके कि वो खताओं से पाक है। मैं ये कानून नाफिज करने वाले इदारे जाने, लेकिन माशरे की ये जो हरकत थी, मैं इसके ऊपर पुरजोर एहतजाज बुलंद करता हूँ। इंतहाई निजी जिंदगी से जुड़ी जो कुछ चीज़ों को जिस तरीके से मंजरा पे लाया गया, वो ये डिजर्व नहीं करते थे। आमिर लियाकत ये डिजर्व नहीं करता था। हमारी तो सुलह हो रही थी, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे मुझे छोड़ के चले जाएंगे। आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी अहलिया बड़ी मुश्किल में फंस गईं। इद्दत के दौरान दानिया की मुश्किलात में इजाफा हो गया। समाजी तंजीम की जानिब से दानिया शाह के खिलाफ कराची की मकामी अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि दानिया ने अपने शौहर की नाज़ेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की है। अदालत FIA को दानिया शाह के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। दरख्वास्त में कहा गया है कि दानिया शाह ने बियां बीवी के रिश्ते का तकद्दुस पामाल किया है। मामूली तनाज़े पर शौहर की नाज़ेबा वीडियो वायरल करने की सज़ा दानिया को मिलनी चाहिए। आपको याद होगा कि जब ये वीडियो मंजरे आम पर आई तो कुछ सियासी और समाजी शख्सियात ने इस वाक़े की भरपूर मजम्मत की। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि दानिया की जानिब से की जाने वाली इस हरकत के ख़िलाफ़ लाइव 707 की टीम ने भी इस वाक्य की शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी।